करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है GDS2 MTS एग्ज़ाम और GDS2 पोस्टमैन एग्ज़ाम या जो मेलगार्ड एग्ज़ाम 2023 में होना है, यानी कि अभी आपका होगा 30 अप्रैल के दिन एग्ज़ाम। इसके आपके जो एडमिट कार्ड्स हैं वो 1 से 2 दिन में आपको मिल जाएंगे और लास्ट समय चल रहा है, मुश्किल से 6-7 दिन आपके बचे हुए हैं तैयारी करने के लिए और उसके बाद में एग्ज़ाम है। तो चर्चा का विषय क्या है? चर्चा का विषय ये है कि जो लोग सही ढंग से तैयारी कर रहे हैं, यानी कि प्रिपरेशन वो कई दिनों से कर रहे थे, उनके लिए थोड़ी सी गाइडलाइन है और थोड़ी सी उनको सलाह है कि वो अब तक अपना जो थ्योरी पोर्शंस है वो थ्योरी पोर्शन अपना कवर कर चुके हैं, उसके बाद में क्वेश्चंस को वो कवर कर चुके हैं। कुछ उन्होंने MCQ भी ट्राई किए हुए हैं और कुछ उन्होंने PYQ भी ट्राई किए हुए हैं। अब इन सब के बाद में वो लोग जाना चाहते हैं मॉक टेस्ट के लिए और मॉक टेस्ट अलग अलग संस्था से आपको देखने को मिलेंगे और कई संस्थाएँ आपको, कई यूट्यूब चैनल्स, कुछ लोग आपको मॉक टेस्ट करवा रहे हैं जो कि बहुत अच्छा है। मॉक टेस्ट मेरी निगाह में क्या है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। सिंपली जिन लोगों की तैयारी अच्छी हो चुकी है, यानी कि जो लोग थ्योरी कर चुके हैं, क्वेश्चंस कर चुके हैं, MCQ कर चुके हैं, PYQ कर चुके हैं, उनको सलाह है कि वो लोग मॉक टेस्ट के लिए ना जाएं। मॉक टेस्ट में कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल सकते हैं जो कि आपके सिलेबस से बाहर हो सकते हैं। मॉक टेस्ट को थोड़ा सा टफ बनाने के लिए ये कार्य किया जा सकता है, इसलिए आप लोग उससे ना जाए। कुछ क्वेश्चंस आपसे एकदम इजीली पूछ सकते हैं मॉक टेस्ट को इजी बनाने के लिए। तो जो बेस आपका PYQ का है, यानी कि PYQ में जैसे क्वेश्चंस आते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। जिन लोगों ने PYQ कर लिए हैं, कुछ MCQ भी ट्राई कर लिए हैं, वो मॉक टेस्ट को स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ थ्योरी की है और कुछ नहीं किया है, वो लोग मॉक टेस्ट के लिए जा सकते हैं। जो भी लोग मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, चाहे वो पेड हो चाहे फ्री हो, जैसे भी आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप लोग उनको ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा बिल्कुल ये मत नहीं है कि जो लोग पेड मॉक टेस्ट ले रहे हैं, पेड मॉक टेस्ट ले रहे हैं या फ्री ले रहे हैं, आप कौन सा ज्वाइन करें, कौन सा नहीं करें, कौन सा छोड़ें, वो हमारा बिल्कुल इस बारे में सलाह नहीं है। क्योंकि जो लोग पेड मॉक टेस्ट देते हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा मेहनत करते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी मेहनत है वो वापस लौट के आनी चाहिए। जिन लोगों को वो काम पर रखते हैं उनको भी जो वित्तीय सहायता वो लोग देते हैं, वो लोग पेड टेस्ट चलाते हैं। जो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, यानी कि वो लोग या तो ऐसा उनको लग रहा है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे तो ज़्यादा लोग आएंगे उनके पास में, ज़्यादा उनका रीच बढ़ेगा, वो उस हिसाब से भी सोच सकते हैं। और उनका सोचने का नज़रिया ये भी हो सकता है कि सारी चीज़ें फ्री में ही उपलब्ध करवा दी जाएँ, तो वो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है, वो लोग कर सकते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि कौन लोग मॉक टेस्ट के लिए जाएँ और कैसे लोग मॉक टेस्ट के लिए ना जाएँ। तो जिन लोगों ने अच्छी तैयारी कर ली है वो लोग मॉक टेस्ट के लिए बिल्कुल ना भागें, जिन लोगों की तैयारी अच्छी नहीं हो पाई है वो मॉक टेस्ट के लिए जा सकते हैं। इन सारी चीज़ों का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। मॉक टेस्ट से आप अपना आकलन कर सकते हैं, आपका पता चल सकता है कि आप लोग कैसे क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। मॉक टेस्ट आपको ये इस बात की श्योरिटी नहीं देगा कि आपका जो पेपर होने वाला है उसमें आपको हू क्वेश्चंस मिले, यानी कि आपको एज इट इज़ क्वेश्चंस मिले, ज्यों के त्यों क्वेश्चंस आपके मॉक टेस्ट से पेपर में आ जाए, ये संभव नहीं है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ आकलन कर सकते हैं कि आपने जो पढ़ा है वहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं क्या वो आप लोग कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो हमारी बात करें, यानी कि II की बात करें, इनसाइट इंस्टीट्यूशंस की बात करें, तो इनसाइट इंस्टीट्यूशंस किसी भी प्रकार का मॉक टेस्ट आपको उपलब्ध नहीं करवाता है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए PYQ करते हैं, जिसकी हम लोगों ने फ्री क्लासेस दी हैं पोस्टर क्लासेस वाले चैनल पर। पोस्टर क्लासेस के नाम से एक चैनल है, उस पर हमने PYQ करवाए थे। PYQ हम लोगों ने 2020, 21 और 22 पिछले 3 सालों के करवाए थे, जितने भी उपलब्ध थे, जितना हम लोग ला सकते थे, जहाँ से भी ला सकते थे, उनको हल करने की कोशिश की थी और डिटेल में हम लोगों ने हल करने की कोशिश की है। तो आप लोग वहाँ जा सकते हैं, उसको देख सकते हैं। जिन लोगों को मॉक टेस्ट के लिए जाना चाहते हैं वो लोग मॉक टेस्ट के लिए भी जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मॉक टेस्ट
नहीं करने हैं, और ऐसा भी नहीं है कि मॉक टेस्ट करने ही करने हैं। तो मॉक टेस्ट के पीछे जो बेसिकली जो उद्देश्य है वो आपका चेंज होना चाहिए, यानी कि आप जिस नज़रिए से सोचते हैं उस नज़रिए से आपको सोचना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस आपको हूबहू देखने को मिलेंगे एग्जाम में, वो संभव नहीं है। आप लोग आकलन के बेस पर जा सकते हैं, आप लोग अपना एनालाइज कर सकते हैं कि कितना आप लोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो उस उद्देश्य से आप लोग मॉक टेस्ट के लिए जा सकते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो मॉक टेस्ट के लिए कोई पैनिक नहीं होना है, अगर किसी को मॉक टेस्ट नहीं मिल पा रहे हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। और इसी के साथ इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड, ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।